नमस्कार आदाब, मैं हूं हामिद सैफी और आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज़। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर की तहसील सिकंदराबाद के एक वृद्ध की कहानी किसी को भी भावुक कर सकती है। वृद्ध की पत्नी की मौत के बाद बुढ़ापे की बैसाखी कहे जाने वाली औलाद ने भी साथ छोड़ दिया और अब बुजुर्ग 2 जून की रोटी के लिए दर दर भटकता है। खुद की औलाद द्वारा ठुकराए गए इस वृद्ध की कहानी ऐसी है जो आपको भी भावुक कर सकती है। अरे नहीं बाबा, हम आपके बालक हैं, ठीक है। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे संपर्क कर लेना, ठीक है बाबा। मेरा नाम लव है, हाँ ठीक है बाबा। और कोई परेशानी नहीं? खाना वाना तो नहीं खाना? कैसा हो सर, कोई जरूरत? अरे नहीं बाबा, आप ठीक ठीक बाबा। बुजुर्ग को जो कोई भी खाना देता है उसे खा लेता है और खुले आसमान को अपना आशियाना समझकर सड़क किनारे ही रात गुजार लेता है। वृद्ध राजू ने बताया कि वो बुलंदशहर का रहने वाला है। पत्नी की मौत के बाद बच्चों ने साथ छोड़ दिया तो अब बुजुर्ग शहर दर शहर भटकता है। जो नेक दिल इंसान मदद के लिए हाथ आगे करते हैं उनसे मदद लेकर ये बुजुर्ग खाना खाता है और कई बार रात को भूखा ही सो जाता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बुजुर्ग के बच्चों का जो कारनामा ये सामने आया है उसे सुनकर यही कहा जा सकता है कि ऐसी औलाद से बे औलाद होना अच्छा है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार आदाब। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।